षष्ठी तत्पुरुष समास को लेकर चल रहे पाठ के क्रम में यह दूसरा पाठ है। पूर्व पाठ में षष्ठी तत्पुरुष समास से संबंधित समास विधायक सूत्र एवं समास निषेधक सूत्र इनका विवेचन किया गया था और इस पाठ में षष्ठी समास निषेधक तीन सूत्रों का विवेचन किया जाएगा। उनमें पहला सूत्र है पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ययितव्य समानाधिकरणेन कतेन च पूजायाम और अधिकरणवाचिनश्च। इन तीन सूत्रों का विवेचन इस पाठ में किया जाएगा। तीनों ही सूत्र षष्ठी सूत्र से जो समास प्राप्त है उसका निषेध करते हैं। पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ययितव्य समानाधिकरणेन तृतीय विभक्ति एकवचन का एक पद का सूत्र है। सुहितः अर्थः येषां ते सुहितार्थाः पूर्णञ्च गुणश्च सुहितार्थाश्च सच्च अव्ययञ्च तव्यञ्च समानाधिकरणञ्च इति पूरण एतेषां समाहारः पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ये तव्य समानाधिकरणम् तेन पूरण गुण सुहितार्थ सदव्ये तव्य समानाधिकरणे न। इस प्रकार से समास इत्यादि सूत्र का होता है। सुहितार्थ में अर्थ शब्द है। अर्थ शब्द का संबंध केवल सुहित के साथ है, अन्य के साथ अर्थ शब्द का संबंध नहीं है। तो सुहितार्थक शब्दों को लेना है। सुहित का मतलब है तृप्ति, तो सुहितार्थ का तात्पर्य होता है तृप्त्यर्थक। तृप्त्यर्थ वाले जो शब्द होंगे उनको लेना है। पहला शब्द है पूरण। पूरण इससे पूर्णार्थक जो संख्या है तत्प्रत्यंत जो शब्द हैं उनको लेना है। जैसे डट, तस्य पूर्णे डट से डट होता है, तो पूर्ण प्रत्यंत जो शब्द हुए उनको लेना है, षष्ठः इत्यादि शब्दों को। गुण गुणवाचक शब्द के साथ समास का निषेध करता है यह सूत्र। गुण से यहाँ पर जो शब्द केवल गुणवाचक है उनको भी लेना है और गुणोपसर्जन द्रव्यवाचक है उनको भी लेना है, इसलिए इसके दो उदाहरण दिए गए हैं। पूरण गुण सुहितार्थ से तृप्त्यर्थक हो गया। सत सत संज्ञक जो प्रत्यय हैं तौ शत, इस सूत्र से क्षत्रिय और शानच की शत संज्ञा होती है, तो क्षत्रि प्रत्यांत शानच प्रत्यांत जो शब्द हैं कुर्वन कुर्वाणः इत्यादि उनको लेना है, उनके साथ भी षष्ठी समास का निषेध यह सूत्र करेगा। पूरण गुण सुहितार्थ सत अव्यय, अव्यय जो होते हैं उनके साथ भी षष्ठी समास का निषेध करता है। अव्यय से कृत अव्यय लेना है, तद्धित अव्यय नहीं लेना है। तद्धित अव्यय के साथ तो समास होता ही है। तव्य तव्य प्रत्यांत जो शब्द होगा उसके साथ समास का निषेध यह सूत्र करता है, लेकिन तव्यत प्रत्यांत शब्द के साथ तो समास होता ही है। समानाधिकरण न, और जो समानाधिकरण शब्द होंगे, अधिकरण शब्द का मतलब है आश्रय, आश्रय से यहाँ पर विभक्ति को लीजिए, तो समानाधिकरण का मतलब हो गया समान विभक्ति वाले जो पद होंगे उनमें भी षष्ठी समास का निषेध यह सूत्र करेगा। जैसे तक्षकस्य सर्पस्य, तक्षकस्य में भी षष्ठी है सर्पस्य में भी षष्ठी है, तो यहाँ पर समास नहीं होगा, तक्षक सर्पस्य ऐसा रूप नहीं बनेगा। तो यह सूत्र का स्थूल परिचय हुआ। अब क्रमशः उदाहरण में घटा के देखते हैं। कोई विशेष बात नहीं है, बस षष्ठी समास जो प्राप्त है उसका निषेध करता है इन इन स्थितियों में। क्या अर्थ लिखा? पूर्णाद्यर्थैः सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते। न निर्धारण से न ले आइए, बाकी समास इत्यादि तो यथा प्राप्त नहीं है। तो पूर्णाद्यर्थैः, पूर्ण आदि से गुण और अर्थ, अर्थ शब्द सुहित के साथ ही जुड़ेगा इसलिए सुहितार्थ हो जाएगा। सदादिभिश्च सत पूर्ण गुण सुहितार्थ सत अव्यय समानाधिकरण, इनको आदि शब्द से ले लीजिए, तो सदादिभिश्च षष्ठी न समस्यते, इनके साथ षष्ठ्यन्त का समास नहीं होगा। चलिए पूर्णे सताम षष्ठः, सबसे पहला उदाहरण दिया पूर्णे। अब पूर्ण पूर्णे में यहाँ पर पूर्ण इस अनुपूर्वी वाले शब्द को नहीं लेना है। पूर्ण प उ र अ ण अ इसको नहीं लेना है। पूर्ण शब्द के साथ तो समास होगा, लेकिन पूर्णार्थक जो संख्या है, पूर्णार्थक जो प्रत्यय है, तत्प्रत्यांत शब्दों के साथ समास नहीं होगा।
पूर्ण शब्द के साथ तो समास होगा, सोची लोपे चेत पाद पूर्णम। आचार्य पाणिनि जी ने स्वयं पाद पूर्णम ऐसा प्रयोग किया है। अगर पूर्ण शब्द के साथ भी समास का निषेध होता होता तो पादस्य पूर्णम ऐसा प्रयोग करना चाहिए था, लेकिन पाद पूर्णम प्रयोग किया है इसलिए कुंभ पूर्णम इत्यादि स्थल पर समास हो जाता है। लेकिन पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द हैं, जैसे षष्ठ यह शब्द है, तस् यह प्रातिपदिक है, इससे डट प्रत्यय हो गया, तस्य पूर्णे डट, यह डट जो है यह पूर्णार्थक है, पूर्ण अर्थ में होता है डट प्रत्यय। तो षणाम पूर्ण षष्ठ, षष से डट करिए, डट का अनुबंध लोप अ बचा, षष अ हुआ, और उसके बाद षट कति कति पै चतुराम थुक से थुक आगम हो जाता है, तो षष्ठ थ अ हुआ, नष्टु से स्टुत्व हो जाएगा, षष्ठ अ हुआ, मिला दिया षष्ठ बन गया, तजितान तत्पद प्रातिपद संज्ञा प्रातिपदिकत्वात् स्वादयः षष्ठ रूप बनेगा। अब षष्ठ जो ये शब्द है यह पूर्ण प्रत्यांत शब्द हो गया, तत्प्रकृतिक सुबंध षष्ठ सु हो गया, इसके साथ सताम इस षष्ठंत का समास नहीं होगा, सत आम षष्ठ सु में समास नहीं होगा, सताम षष्ठ ऐसा ही वाक्य ही रह जाएगा। तो सताम षष्ठ यह पूर्णार्थक पूर्ण प्रत्यांत जो शब्द हुआ उसके साथ तत्प्रकृति के सुबंध हुआ उसके साथ समाज का निषेध इस सूत्र के द्वारा कर दिया गया, अन्यथा सत्ष्ट इत्यादि अनिष्ट रूप बनने लगता। तो इसका ये पूर्णार्थक का उदाहरण हुआ। फिर एक उदाहरण आता है ऊंच षष्ठ, एक उदाहरण मिलता है ऊंच षष्ठ। प्रश्न है कि ऊंच षष्ठ यह प्रयोग कैसे बन रहा है, क्योंकि वहां पर भी षष्ठ शब्द पूर्ण प्रत्यांत ही है। तो उसका समाधान भिन्न रूप से किया गया कि वहां षष्ठी तत्पुरुष समास न होकर के सप्तमी तत्पुरुष आदि समास माना जा सकता है। ऊंचेषु षष्ठ ऊंच षष्ठ या ऊंचात्मक षष्ठ ऊंच षष्ठ, इस प्रकार से समाधान किया गया है, षष्ठी तत्पुरुष समास वहां पर नहीं माना गया है। पूर्ण का हुआ, पूर्ण के बाद दूसरा उदाहरण क्या है, पूर्ण गुण, गुणवाचक शब्द को लेना है। गुणवाचक शब्द से जो गुणवाचक है उसको भी लेंगे और गुण उपसर्जन द्रव्यवाचक है उसको भी लेंगे। उदाहरण क्या दिया, काकस्य कार्ष्ण्यम, कृष्ण शब्द है गुणवाचक, कृष्ण गुण का वाचक है और उससे क्षय प्रत्यय कर देंगे, तो कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यम, गुणवचन ब्राह्मणादिभ्य कर्मणि च सूत्र से क्षय प्रत्यय हो जाता है। तो कृष्णस्य भावः कार्ष्ण्यम, कार्ष्ण्यम का मतलब हो गया कालापन, तो काकस्य कार्ष्ण्यम कौवे का कालापन, ये तात्पर्य हुआ। तो यहाँ पर जो काकस्य षष्ठ्यंत है इसका कार्ष्ण्यम इस गुणवाचक शब्द के साथ समास नहीं हुआ, काका कार्ष्ण्यम नहीं बनेगा, काकस्य कार्ष्ण्यम ऐसा ही प्रयोग बनता है। तो यहाँ पर कार्ष्ण्य शब्द गुणवाचक है और ब्राह्मणस्य शुक्ला है, यहाँ पर जो शुक्ल शब्द है ये गुणोपसर्जन द्रव्यवाचक है, शुक्ल शब्द गुणवाचक है सब है, लेकिन उस शुक्ल शब्द से मतु प्रत्यय किया जाता है और उस मतु प्रत्यय का फिर गुणवचनेभ्यो मतुभो लुगिष्ट इस वार्तिक के द्वारा लुक हो जाता है। तो शुक्ल शब्द शुक्ल गुण वाले को बताता है, शुक्ल गुण वाला कौन हुआ, दांत इत्यादि। तो शुक्ल शब्द गुणोपसर्जन द्रव्यवाचक हो गया, उसके साथ ब्राह्मणस्य इसका समास नहीं होगा, तो ब्राह्मणस्य शुक्लाः इसी प्रकार से प्रयोग होगा, ब्राह्मण शुक्लाः इस प्रकार से प्रयोग नहीं होगा। अब प्रश्न यहाँ पर एक ये होता है कि ब्राह्मणस्य का अन्वय तो दंत के साथ है, क्योंकि जब ब्राह्मणस्य शुक्लाः ऐसा प्रयोग करेंगे तो प्रकरण के द्वारा या अर्थ के द्वारा दंत पद की उपस्थिति होगी, तो ब्राह्मणस्य शुक्लाः का तात्पर्य किसमें है, ब्राह्मणस्य दंताः शुक्लाः, ब्राह्मण के जो दांत है वो दांत शुक्ल हैं, तो ब्राह्मणस्य का अन्वय किसमें होगा, दंत में, दंत का अन्वय फिर शुक्ल में होगा, तो ब्राह्मण का अन्वय सीधे शुक्ल में तो हुआ नहीं, जब शुक्ल में अन्वय नहीं हुआ तो सामर्थ्य ही नहीं बैठा, जब सामर्थ्य नहीं हुआ तो ब्राह्मण शुक्लाः प्रयोग कैसे बन रहा है, समास तो हो ही नहीं सकता। तो उसका उत्तर दिया, यदा प्रकरणादिना दंता इति विशेष्यम ज्ञातम तदा इदम उदाहरणम, कह रहे हैं कि यहाँ पर जो दंत रूपी अर्थ आ रहा है वो प्रकरण से आ रहा है या अर्थ से आ रहा है, तो बीच में तो ब्राह्मण शब्द जो है वो शुक्लाः में ही अन्वित होता है, असामर्थ्य नहीं है, दंत शब्द प्रकरण से या अर्थ इत्यादि के द्वारा ज्ञायमान है, दंत शब्द को प्रकरण आदि से वहां पर जानना है, शुक्ल शब्द ही वहां पर ब्राह्मण शब्द के साथ अन्वित होता है इसलिए सामर्थ्य बन जाता है, बीच में दंत शब्द नहीं आएगा, वो तो प्रकरण आदि के द्वारा आएगा, जिज्ञासा होने पर फिर उसकी प्राप्ति वहां पर होती है, इसलिए ब्राह्मण का शुक्ल के साथ समास हो जाता है, ब्राह्मण शुक्ला समास का प्राप्त हो जाता है उसका इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया जाता है, तो ब्राह्मणस्य शुक्लाः इस प्रकार से प्रयोग बन जाता है। ठीक है, तो ये गुणवाचक शब्द के साथ समास का उदाहरण हो गया, समास के निषेध का उदाहरण हो गया ब्राह्मणस्य शुक्लाः।
उसके बाद आगे क्या है, यदा प्रकरणादिना दंता इति विशेषम ज्ञातम। यदा प्रकरणादिना, जब ब्राह्मण से शुक्ला इस प्रकार का प्रयोग करने पर प्रकरण आदि के माध्यम से, प्रकरण से या अर्थ से दंता इति विशेषम ज्ञातम, दंता इस विशेष्य का ज्ञान हुआ, तदा इदम उदाहरणम, तब इस उस स्थिति में यह उदाहरण दिया गया है। ब्राह्मण से दंता शुक्लाह इस स्थिति में उदाहरण नहीं है, बल्कि ब्राह्मण से शुक्लाह कहने पर, ब्राह्मण से शुक्लाह के इत्यादि जब जिज्ञासा होगी तब दंत आता है, उस स्थिति में यह उदाहरण दिया गया है, इसलिए दंत शब्द पहले नहीं आएगा, दंत शब्द तो बाद में आएगा। तो पहले ब्राह्मण का अन्वय शुक्ल के साथ हो जाएगा, ब्राह्मण समाज की प्राप्ति रहेगी, उस समाज की प्राप्ति का निषेध यह कर देगा, तो ब्राह्मण से शुक्लाह यह प्रयोग आपका सिद्ध हो जाता है। चलिए अनित्योयम गुणेन निषेधः है संज्ञा प्रमाणत्वात् इति निर्देशात्। कह रहे हैं कि ये जो गुण के साथ इस सूत्र के द्वारा समाज का निषेध किया जाता है यह अनित्य है, या कहीं कहीं नहीं भी होता है। तो कह रहे हैं आपने कैसे जाना, तो संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञा प्रमाणत्वात्, यहाँ पर आज ये पाणिनि जी, आचार्य पाणिनि जी ने प्रयोग किया संज्ञा प्रमाणत्वात्, संज्ञायाः प्रमाणत्वात्, संज्ञा प्रमाणत्वात्, प्रमाणत्व शब्द वहां पर गुणवाचक है, और गुणवाचक शब्द होने के कारण से उसमें समास नहीं होना चाहिए था, संज्ञा प्रमाणत्वाद ऐसा नहीं बनना चाहिए था, संज्ञायाः प्रमाणत्वाद ऐसा वाक्य रहना चाहिए था, इस सूत्र से गुणवाचक शब्द होने के कारण से निषेध हो जाना चाहिए था। तो कह रहे हैं कि वहां पर आचार्य पाणिनि जी ने निषेध न कर करके समास किया है, इससे ज्ञापित होता है कि गुणवाचक शब्द के साथ जो समास का निषेध होता है यह अनित्य है। तो कहीं कहीं गुणवाचक शब्द के साथ समास का निषेध नहीं भी होता है, सर्वत्र निषेध हो ही जाए ऐसी बात नहीं है, कहीं कहीं नहीं भी होता है, तो नहीं होता है तो ब्राह्मणस्य संज्ञा प्रमाणत्वात् यह रूप सिद्ध हो जाता है। तो कहीं कहीं गुणवाचक शब्द के साथ समास का निषेध नहीं होता है, जब यह ज्ञापित हो गया इसका फल क्या हो गया, तो अर्थ गौरवम बुद्धि मान्यम इत्यादि सिद्धम, कि अर्थस्य गौरवम बुद्धे मान्यम इत्यादि स्थल में गौरव पद मान्य पद गुणवाचक हैं, तो उनके साथ समाज का निषेध नहीं होगा। तो अर्थस्य गौरवम अर्थ गौरवम भारवेर अर्थ गौरवम इत्यादि प्रयोग होते ही हैं, बुद्धि मान्यम बुद्धे मान्यम बुद्धि मान्यम है, तो अस्य बालकस्य बुद्धि मान्यम वर्तते, ये बालक की बुद्धि बहुत मंद है इत्यादि कहने का तात्पर्य है। तो बुद्धि मान्यम यहाँ पर गुणवाचक शब्द के होते हुए भी, मान्य शब्द गौरव शब्द गुणवाचक होते हुए भी उसके साथ समास का निषेध नहीं हुआ, षष्ठी सूत्र से समास हो गया, तो अर्थ गौरव बुद्धि मान्यम यह प्रयोग बन गया। इसमें विनिगमना क्या हो गई, आचार्य पाणिनि जी का प्रयोग हो गया संज्ञा प्रमाणत्वात्, उसने ज्ञापित कर दिया कि गुण के साथ जो समास होता है, समास का निषेध होता है वह अनित्य है। वस्तुतः यह जो बात है अनित्योयम गुणेन निषेध इत्यादि वाली जो बात है यह भाष्य में नहीं देखी गई, यह भाष्यकार का इसमें कोई पक्ष या उनका कोई मत नहीं देखा गया है, इसलिए यह बात प्रामाणिक नहीं है। तो फिर प्रश्न है कि भाई अर्थ गौरव इत्यादि प्रयोग कैसे बनेंगे, तो उनका समाधान फिर भिन्न रूप से दिया गया कि मध्यम पदलोपी समास माना जाए, क्या माना जाए, मध्यम पदलोपी इसमें समास माना जाए, तो क्या बनेगा, अर्थगतम गौरवम इति अर्थगत अर्थ गौरवम, मध्यम पदलोपी समास हो जाता है, आगे 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 आएगा तत्पुरुष इसी प्रकरण में आएगा, शाक पार्थिवादी नाम सिद्धये उत्तर पदलोपस्य उपसंख्यानम देव पूजक ब्राह्मण देव ब्राह्मण शाक पार्थिव शाक प्रिय पार्थिव शाक पार्थिव इत्यादि समास आएंगे, उसमें पूजक शब्द का जो उत्तर पद है प्रिय शब्द का उनका लोप हो जाता है। तो अर्थगतम गौरवम इति अर्थ गौरवम, उत्तर पद जो गत है उसका लोप कर करके अर्थ गौरवम, बुद्धिगतम मान्यम इति बुद्धि मान्यम, गत उत्तर पद का लोप कर करके मध्यम पदलोपी समास कर करके अर्थ गौरवम बुद्धि मान्यम इत्यादि शब्दों की सिद्धि की जा सकती है। फिर एक प्रश्न आता है, आपने वृद्धि संधि में पढ़ा था कृष्ण एकत्वम, वहां पर भी एकत्व शब्द गुणवाचक है, तो वहां पर कैसे करेंगे, मध्यम पदलोपी समास की कल्पना भी इत्यादि कैसे कर सकते हैं और नहीं की जा सकती, और अगर नित्य न माने समास गुणवाचक शब्द के साथ समास के निषेध को नित्य न माने, अगर अनित्य न माने, अगर नित्य मान लें तो कृष्ण एकत्वम में फिर समास कैसे होगा, तब तो कृष्ण से एकत्वम ऐसा ही प्रयोग होना चाहिए, कृष्ण एकत्वम यह प्रयोग नहीं होना चाहिए, कृष्ण एकत्वम प्रयोग की साधुता के लिए तो इसको अनित्य मानना जरूरी है, और अनित्यता के पक्ष में महाभाष्यकार का आग्रह नहीं है। तो कह रहे हैं कि कृष्णेकत्वम इत्यादि स्थल पर जो एकत्व आदि शब्द हैं वो भाववाचक हैं, वो भाववचन हैं,
जो विंशति इत्यादि शब्द हैं या एकत्व इत्यादि शब्द हैं, यह भाव वचन है। ऐसा कह करके महाभाष्यकार ने गवाम विंशति ही, गो विंशति ही, गवाम सहस्रम, गो सहस्रम इत्यादि रूपों की सिद्धि की है। तो कृष्ण एकत्व इत्यादि स्थल में जो एकत्व आदि शब्द हैं वो भाव वचन मान लिए गए। भाव वचन मान करके वहां पर समास कर दिया गया, वहां पर गुण वाचक उनको नहीं माना गया, तो निषेध की प्राप्ति ही नहीं है। तो इस प्रकार से इसका विवेचन चला है। गोविंशति, गो सहस्रम, अर्थ गौरव, बुद्धिमान्यम इत्यादि शब्दों की साधुता भिन्न प्रकार से मानी गई है, और अनित्योयम गुणेन निषेध वाला जो पक्ष है यह इतना प्रामाणिक या महाभाष्यकार के द्वारा इतना प्रतिष्ठापित यह नहीं है, ऐसी टीका इत्यादि में चर्चा आई है। तो उसके बाद क्या है, बुद्धे अर्थ गौरवम बुद्धिमान्य इत्यादि सिद्धम सुहितार्थास्तृप्त्यर्थः। फिर सुहित शब्द आ गया, गुण के बाद है सुहित शब्द, सुहितार्थक जो शब्द होते हैं, सुहित का मतलब है तृप्ति, तो सुहितार्थ से किसको लेना है, तृप्त्यर्थक को लेना है। सुहितार्थक से किसको लेना है, तृप्त्यर्थक, तृप्ति अर्थ वाले जो शब्द हैं, जैसे फलानाम सुहितः, यहाँ पर सुहित शब्द तृप्त्यर्थक है, फलानाम सुहित, फलों का सेवन कर करके तृप्ति हो जाएगी। तो सुहितार्थक शब्द कौन हो गया, सुहित, उसके साथ फलानाम इस षष्ठंत के समास का निषेध हो गया, तो क्या बन गया, फलानाम सुहितः, ऐसा वाक्य ही रह गया, इसका फल सुहिता प्रयोग नहीं बनेगा। अब प्रश्न होगा कि कहीं कहीं फल सुहिता प्रयोग भी मिल जाता है, क्या मिल जाता है, फल सुहित इत्यादि प्रयोग भी मिल जाता है, तो कह रहे हैं कि वो तो आपका तृतीय समास में होगा, किसमें होगा, तृतीय समासस्तु स्यादेव, अगर है फल ही सुहित ऐसा विग्रह कर करके कर्तृकरणे कर्ता बहुलम से अगर हम समास करेंगे तो क्या बनेगा, फल सुहिता प्रयोग बन जाएगा। फिर प्रश्न है कि जब फल सुहिता प्रयोग बन ही गया तो निषेध करने का क्या औचित्य रह गया, तो कहा कि अगर षष्ठी तत्पुरुष समास करते तो भिन्न पद हो जाता, समासस्य से अंतोदात्त हो जाता, और जब तृतीय तत्पुरुष समास करते हैं कर्तृकरणे कर्ता बहुलम से तो फिर आपका तृतीय कर्मणि च इस सूत्र के द्वारा पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है। तृतीय कर्मणि च सूत्र से क्या हो जाता है, पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाता है, तो यह स्वर में भेद आ जाता है। तो तृतीय समास करेंगे पूर्व पद प्रकृति स्वर हो जाएगा, षष्ठी समास कर देते तो अंतोदात्त हो जाता, ये दोनों में फल भेद है, इसलिए तृतीय तत्पुरुष समास करके फल ही सुहिता, फल सुहिता ऐसा बनाया जा सकता है, लेकिन षष्ठी तत्पुरुष समास करके फलानाम सुहिता इस विग्रह में फल सुहिता प्रयोग नहीं बनाया जा सकता। तो सुहितार्थक के साथ समास का उदाहरण हो गया, उसके बाद क्या है, सुहितार्थ तृप्त्यर्थः, आगे तृतीय समासस्तु स्यादेव, तृतीय समास तो यहाँ पर हो ही जाएगा कर्तृकरणे कर्ता बहुलम से हो ही जाएगा। चलिए स्वरे स्वरे विशेष, दोनों में अंतर क्या, तो स्वर में विशेष आएगा, तृतीय तत्पुरुष समास करेंगे भिन्न स्वर होगा, षष्ठी तत्पुरुष समास करेंगे भिन्न स्वर होगा। सत, सत संज्ञक जो शब्द हैं उनका, उनके साथ समास का निषेध है, तव शत सूत्र के द्वारा सत्र शानच की शत संज्ञा हो जाती है, तो सत्र प्रत्यांत जो शब्द कुर्वन, शानच प्रत्यांत जो शब्द कुर्माण, उनके साथ भी समास का निषेध हो जाता है। द्विजस्य कुर्वन, द्विजस्य कुर्वाण, तो कुर्वन सत्र प्रत्यान शब्द है, उसके साथ समास का निषेध हो गया, तो द्विजस्य कुर्वन, ऐसे द्विजस्य कुर्वाण, यहाँ पर भी कुर्वाण शत संज्ञक प्रत्यान शब्द है, शानच प्रत्यान शब्द है कुर्वाण, उसके साथ द्विजस्य के समास का निषेध हो गया, तो द्विजस्य कुर्वाण यह प्रयोग सिद्ध हुआ है। किंकर इत्यर्थ, कुर्वन कुर्वाण का अर्थ क्या है, तो कहा कि कुर्वन कुर्वाण का अर्थ है किंकर, सेवक। हम ऐसा अर्थ क्यों कर रहे हैं, यहाँ पर जो क्री धातु है कुर्वन कुर्वाण में जो क्री धातु है वो परिचरणार्थक है, सेवार्थक है, परिचरण इत्यादि अर्थ में विद्यमान है। ऐसा इसलिए कर रहे हैं कि कुर्वन कुर्वाण इत्यादि स्थल में अगर द्विजस्य घटम कुर्वन इस प्रकार से विवक्षा की जाएगी तो वहां पर द्विज का संबंध कुर्वन के साथ होगा ही नहीं, घट के साथ संबंध हो जाएगा तो असामर्थ्य हो जाएगा, और अगर द्विजस्य कुर्वन का सीधे संबंध रखते हैं तो नलोकाभ्य निष्ठा इत्यादि व्यवस्था से वहां पर षष्ठी की प्राप्ति ही नहीं है, जब षष्ठी की प्राप्ति नहीं है तो निषेध करने की क्या आवश्यकता है, तो इसलिए वहां पर कुर्वन शब्द को किंकर अर्थ में मान लिया, परिचारक अर्थ में मान लिया, उससे क्या हुआ, तो द्विजस्य कुर्वन का तात्पर्य क्या हो जाएगा, द्विजस्य किंकर, द्विजस्य कुर्वाण का तात्पर्य क्या होगा, द्विजस्य किंकर, उससे आपका षष्ठी उपपन्न हो जाएगी, षष्ठी उपपन्न होने से वहां पर षष्ठी से समास भी प्राप्त होगा, उस समास का निषेध करने के लिए यहां पर सत का ग्रहण करना सार्थक हो जाता है, इसलिए किंकर इत्यर्थ। इस प्रकार से किंकर उसका द्विजस्य कुर्वन में, द्विजस्य कुर्वाण में कुर्वन कुर्वाण का अर्थ क्या लिखा है, किंकर इत्यर्थ। तो ये सत संज्ञक शब्द के साथ समास के निषेध का उदाहरण हो गया। सत के बाद क्या है, अव्यय, ब्राह्मणस्य
कृत्वा अव्यय जो होता है उसके साथ भी समास नहीं होता, ब्राह्मण से कृत्वा कृत्वा अव्यय क्वातो सुन कसुन सूत्र के द्वारा तो आप प्रत्यान शब्द की अव्यय संज्ञा हो जाती है, कृत्वा अव्यय है, उस अव्यय के साथ ब्राह्मण से षष्ठ्यंत का समास नहीं हुआ तो ब्राह्मण से कृत्वा यही प्रयोग बन गया। फिर प्रश्न है कि सर्वपश्चात प्रयोग किया महाभाष्यकार ने, तदुपरि इत्यादि प्रयोग लोक में प्रसिद्ध है देखे जाते हैं, तो सर्वपश्चात में कैसे समास हो गया, तदुपरि तस्य उपरि तदुपरि यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास कैसे हो गया क्योंकि वहां ऊपर ही इधर पश्चात ये भी अव्यय है और अव्यय के साथ समास होता नहीं है। उसका उत्तर दिया पूर्वोत्तर सहचर्यात कृत अव्ययम एवं गृह्यते कि सूत्र को देखिए पूर्ण गुण सुहितार्थ सत अव्यय तव्य, पहले बीच में अव्यय शब्द है, अव्यय शब्द से पहले सत है और अव्यय शब्द के बाद में तव्यत है, तो अव्यय शब्द से पहले सत आया ये भी कृत प्रत्यय है, शत्रिशानज भी कृत प्रत्यय है और उधर तव्यत आया तव्यत भी कृत प्रत्यय है, तो पूर्वोत्तर सहचर्यात पूर्व में भी कृत प्रत्यय है, अव्यय के पहले भी कृत प्रत्यय है, अव्यय शब्द के बाद भी कृत प्रत्यय है, तो पूर्वोत्तर सहचर्यात कृत अव्ययम एवं गृह्यते है। यहां पर किस अव्यय का ग्रहण होगा, कृत अव्यय का ग्रहण होगा, तद्यत अव्यय का ग्रहण नहीं होगा, तो ऊपरी पश्चात ये तो तद्यत अव्यय है, तो तद्धित अव्ययों के द्वारा तद्धित अव्यय जो होंगे उनके साथ तो समास हो जाएगा लेकिन जो कृत अव्यय होंगे उनके साथ समास नहीं होगा क्योंकि सूत्र में अव्यय से पहले भी अव्यय शब्द से पहले भी कृत अव्यय का ग्रहण है और अव्यय शब्द के बाद में भी कृत अव्यय का ग्रहण है, इसी से अनुमान लगाया गया कि यहां पर जो अव्यय लेना है वह कृत अव्यय ही लेना है, तद्धित अव्यय नहीं लेना है। इसका फल क्या हुआ, तो तदुपरि सर्वपश्चात इत्यादि प्रयोग आपके इत्यादि प्रयोग सिद्ध हो जाते हैं। ठीक है, चलिए तेन तदुपरि इत्यादि सिद्धम इति रक्षिता, आचार्य रक्षित का भी कहना है, उनका भी वचन दिया कि तदुपरि इत्यादि प्रयोग आपके सिद्ध हो जाते हैं। महाभाष्यकार ने तो स्वयं अनेक निपदार्थ सूत्र में सर्वपश्चात प्रयोग किया है, तो सर्वपश्चात में उन्होंने पश्चात के साथ सर्व का समास किया ही है, तो वहां पर पश्चात तद्धितव्य है तो उसकी उपपत्ति भी हो जाती है, तो सर्वपश्चात प्रयोग से भी ये बात ज्ञापित होती है कि तद्धितव्य के साथ तो समास होता ही है लेकिन कृतव्य के साथ समास नहीं होता, इसमें महाभाष्यकार भी प्रमाण हो गए सर्वपश्चात ऐसा प्रयोग कर करके। ठीक है, उसके बाद आगे है तव्य, फिर कृत है तव्य, तव्य प्रत्यय के साथ समास का तव्य प्रत्यान जो तव्य प्रत्यान प्रकृतिक समर्थ संबंध के साथ समास षष्ठ्यंत का नहीं होगा, ब्राह्मणस्य कर्तव्यम, कर्तव्यम में कृ धातु से तव्य प्रत्यय हो गया तो कर्तव्यम बन गया, तो ब्राह्मण से कर्तव्यम में समास का निषेध हो गया, ब्राह्मण कर्तव्यम यह प्रयोग नहीं बनेगा, ब्राह्मण से कर्तव्यम यही प्रयोग आपका बन जाएगा। ठीक है, आगे क्या लिख रहे हैं, तव्यता तु भवत्येव, कि तव्य एक प्रत्यय और तव्यत दूसरा प्रत्यय है, उसमें तकार की इत्संज्ञा है, इसमें तकार की इत्संज्ञा नहीं है, तव्य जो है वो निरनुबंधक है और तव्यत जो है वो सानुबंधक है, उसमें अनुबंध लगा हुआ है, तो अब यहां पर किसको लेना है, तो कहा कि तव्य का ग्रहण किया गया, निरनुबंध का ग्रहण किया गया है, सानुबंध का तो ग्रहण किया नहीं गया, तो सानुबंध वाला जो तव्यत है उसके साथ तो समास हो जाएगा, स्वकर्तव्यम स्वस्य कर्तव्यम इति स्वकर्तव्यम, यहां तो समास कर दिया गया तो तव्यत के साथ समास हो जाएगा लेकिन तव्य के साथ समास नहीं होगा। प्रश्न हुआ कि अगर तव्यत के साथ समास आपने कर ही दिया तो प्रयोग तो आपका बन ही गया स्वकर्तव्यम, ब्राह्मण से कर्तव्यम नहीं बोला लेकिन स्वकर्तव्यम तो बन ही गया, तो रूप तो आपका तव्य के साथ बन ही गया, तो फिर निषेध करने का क्या औचित्य रह गया, उसका उत्तर दिया कि स्वरे भेद, क्या स्वरे भेद, अगर तव्य प्रत्यय करेंगे तो उसका भिन्न स्वर होगा और अगर तव्यत प्रत्यय करेंगे तो उसका भिन्न स्वर होगा, तव्यत प्रत्यय में क्या होगा तो कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर होगा, अगर तव्यत प्रत्यय करेंगे तो क्या होगा कृदुत्तर पद प्रकृति स्वर होगा और अगर तव्य प्रत्यय करेंगे तो मध्योदात्त होगा, यह दोनों में अंतर है ना, तो स्वरे भेद कर करके ये बात स्पष्ट कर दी गई। आगे क्या है, तव्य समानाधिकरण में जहां दोनों पद समानाधिकरण वाले हो, समान विभक्ति वाले हो, उनमें भी समास नहीं होता, इसके दो उदाहरण दिए हैं इन्होंने, तक्षकस्य सर्पस्य और गोरधेनोः, ये दो उदाहरण समानाधिकरण के हैं, तो तक्षकस्य सर्पस्य, तक्षकस्य भी षष्ठ्यंत है सर्पस्य भी षष्ठ्यंत है, दोनों समान विभक्ति वाले हैं, दोनों षष्ठ्यंत हैं, इसलिए इनका समास भी नहीं होगा, तो तक्षकस्य सर्पस्य ऐसा ही वाक्य प्रयोग रहेगा, तक्षक सर्पस्य इस प्रकार का समस्त प्रयोग नहीं होगा। ठीक है, पंक्ति बोलिए दो, विशेषण समासस्त्विह बहुलक ग्रहणान् न,
कह रहे कि तक्षकस्य सर्पस्य में षष्ठी तत्व समास न हो कोई बात नहीं, लेकिन सर्प का विशेषण है तक्षक, तो विशेषण विशेषण बहुलम से समास हो जाए। तक्षकस्य असौ सर्पश्च इति तक्षक सर्पः तस्य तक्षक सर्पस्य इत्यादि प्रयोग बना दें। तो कह रहे कि विशेषण समासस्तु हे बहुलक ग्रहणान् न, कि विशेषण विशेषण बहुलम सूत्र में बहुलक ग्रहण किया गया है, बहुलक ग्रहण बलात् ही यहाँ पर क्या होगा, विशेषण समास नहीं होगा। बहुल की महिमा तो है ही है, क्वचित प्रवृत्ति क्वचित अप्रवृत्ति ही, तो बहुलक ग्रहण बलात् यहाँ पर विशेषण समास भी नहीं होगा। तक्षक सर्पस्य ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा, न तो विशेषण विशेषण बहुलम से बनेगा और न षष्ठी तत्पुरुष से बनेगा। विशेषण विशेषण बहुलम से समास क्यों नहीं होगा, बहुलक ग्रहण बलात् नहीं होगा। षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त तो है, लेकिन वो होगा क्यों नहीं, तो पूरण गुण स्वीकार सदव्य तब्य समानाधिकरणेन समानाधिकरणेन इस पद से उसका निषेध हो जाएगा। तो तक्षकस्य सर्पस्य ऐसा ही प्रयोग रहेगा, तक्षक सर्पस्य ये प्रयोग आपका नहीं बन सकता, ये इन्होंने कहा। उसके बाद उदाहरण एक और दे रहे, गोर धेनो हो गो हो धेनो हो, ऐसा उदाहरण इन्होंने दिया कि गो हो धेनो हो यहाँ पर भी समास नहीं होता, समानाधिकरण समास यहाँ पर जो गो हो में भी षष्ठी है धेनो में भी षष्ठी है, तो यहाँ पर भी आपका समानाधिकरण न इस अंश से षष्ठी समास की निवृत्ति हो जाती है। तो गो हो धेनो हो ऐसा ही प्रयोग रहेगा, गो धेनो हो ऐसा प्रयोग नहीं बनेगा। तो अब यहाँ पर एक बात इन्होंने लिखी है कि गो हो धेनो हो इत्यादि स्थल में गोर धेनो हो इत्यादिषु पोटा युवती इत्यादि नाम विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वात् बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः स्वप्यनेन वार्यते। कह रहे हैं कि एक सूत्र है, पोटा युवती स्तोक कतिपय गृष्टि धेनु वशा वेहद वशकैणी प्रवक्त्री सूत्रिया अध्यापक धूर्तेर जाति ही, वो इसी प्रसंग में आगे आएगा, कर्मधारय समास के प्रसंग में आएगा। तो वो धेनु के साथ जातिवाचक शब्द का समास करता है, जैसे गो शब्द जातिवाचक है उसका धेनु के साथ समास हो जाएगा, तो गौश्चासौ धेनु गो धेनु ऐसा प्रयोग बनाता है। पोटा युवति स्तोक सूत्र के द्वारा क्या होता है, गौश्चासौ धेनु गो धेनु, इस प्रकार से दोनों प्रथमांत हैं, गौ भी प्रथमांत है धेनु भी प्रथमांत, दोनों प्रथमांत में समास होकर के गो धेनु प्रयोग बनता है। तो गो धेनु प्रयोग आपका बनता है। अब यहाँ पर जो गो हो धेनु हो दोनों षष्ठंत हो गए, इन षष्ठंतों में समास उस सूत्र से नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा, क्योंकि गो हो धेनो हो में जो पोटा युवती स्तोक सूत्र के द्वारा कर्मधारय समास प्राप्त है उसको परत्वात् षष्ठी समास बांध लेगा, उसको परत्वात् कौन बांध लेगा, षष्ठी समास बांध लेगा, क्योंकि पोटा युवती स्तोक सूत्र भी जहां पर दोनों प्रथमांत हैं, गो हो प्रथमांत है धेनु गो और धेनु प्रथमांत है, वहां चरितार्थ हो चुका है, सावकाश हो चुका है, तो गो धेनु उसने बना दिया वो चरितार्थ है, और जो षष्ठी समास है वो भी इधर राजपुरुष इत्यादि स्थल पर चरितार्थ हो चुका है। अब गो हो धेनु में दोनों एक साथ प्राप्त हो गए हैं, पोटा युवती भी प्राप्त हो गया और षष्ठी सूत्र भी प्राप्त हो गया, तो ऐसे में किसको करें, तो विप्रतिषेधे परम कार्यम पर कार्य है षष्ठी सूत्र से होने वाला षष्ठी समास, तो अब षष्ठी समास पोटा युवती से होने वाले कर्मधारय समास को बांध लेगा और षष्ठी समास की प्राप्ति हो जाएगी। अब ये जो षष्ठी समास की प्राप्ति है इसको भी इस सूत्र के समानाधिकरण पद के द्वारा बांध दिया जाएगा, कि जहां पर दोनों पद समानाधिकरण वाले हों हैं षष्ठंत हैं यहां पर दोनों समान विभक्ति वाले हैं है, उनका समास नहीं होता है, तो गोहो धेनो में समास नहीं होगा, ऐसे वाक्य में ही प्रयोग रहेगा। वही लिखा है, क्या लिखा है, पोटा युवती इत्यादिषु इत्यादि नाम विभक्तंतरे चरितार्थानां परत्वाद् बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः। पोटा युवती इत्यादि इत्यादि नाम पोटा युवती या युवा खलति इत्यादि जो सूत्र हैं उनका विभक्त्यंतरे चरितार्थानां, ये सूत्र विभक्त्यंतर में अर्थात प्रथम विभक्त्यंतों में चरितार्थ हैं, गो हो गौ चासो धेनु इत्यादि प्रथम विभक्त्यंतों में ये चरितार्थ हैं, तो विभक्त्यंतरे चरितार्थानां परत्वाद् बाधकः षष्ठी समासः प्राप्तः, तो इनका बाधक जो षष्ठी समास है षष्ठी सूत्र से होने वाला जो षष्ठी समास है वो गोहो धेनु में प्राप्त हो गया है, और वो षष्ठी सूत्र से होने वाला जो षष्ठी समास है वो भी अनेन वार्यते, अनेन पूरण गुण सुवितार सदव्य तब्य समानाधिकरण सूत्र घटक समानाधिकरणेन इति पदेन वार्यते, उसका भी निषेध कर दिया जाता है। तो आपका क्या बन जाएगा, गो हो धेनो हो इसी प्रकार से रूप बनेगा, गो धेनो हो इस प्रकार से रूप नहीं बनेगा। प्रथमा में तो गो धेनु बन जाएगा, प्रथमा में तो पोटा युवती से समास हो जाएगा, गो धेनु बन जाएगा, लेकिन गो हो धेनो यहाँ पर समास नहीं होगा। तो इस प्रकार से इसका इसकी चर्चा हुई सूत्र की, इसके सारे उदाहरण यहाँ पर समाप्त होते हैं। इसके बाद अगला सूत्र है तेन च पूजायाम, तेन च पूजायाम सूत्र में तीन पद है, तेन तृतीयांत हो गया, चौबे
पद हो गया, पूजा एवं सप्तमी अंत हो गया, तीन पद का सूत्र है। तो अब सूत्र में पूजा ग्रहण किया गया है। पूजा ग्रहण क्यों किया गया? तो कहा कि सूत्रो परक्षितम पूजा ग्रहणम तेन च पूजायाम, सूत्र में जो पूजा पद है वह सूत्र का बोधक है। पूजा पद से एक सूत्र विशेष का बोध होता है, वो सूत्र विशेष का ग्रहण कराता है। आपने कैसे जाना पूजा पद सूत्र विशेष का ग्रहण कराता है? तो कहा कि व्याख्यानात, व्याख्यान से हमने जान लिया कि यहाँ पर जो पूजा पद है वो सूत्र विशेष का ग्राहक है। व्याख्यान तो विशेष प्रतिपत्ति ही नहीं संदेहा दक्षिण इत्यादि व्यवस्था है ही है। तो अब वो कौन सा सूत्र विशेष है? तो कहा मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च, ये सूत्र विशेष है। इस मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र का ग्रहण कराने के लिए पूजा पद का सूत्र में ग्रहण, पूजा पद का तेन च पूजायाम इस सूत्र में ग्रहण किया गया है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च ये सूत्र जो है यक्तो प्रत्यय करता है, और किस अर्थ में करता है? वर्तमान काल अर्थ में करता है। मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च से होने वाला जो क्तो प्रत्यय वह वर्तमान काल अर्थ में होता है। यद्यपि क्तो प्रत्यय भूतकाल में होता है, निष्ठा के अधिकार में है, भूते का अधिकार चल रहा है, भूते के अधिकार में निष्ठा सूत्र है, निष्ठा का मतलब क्तोक्तवतु, तो क्तोक्तवतु प्रत्यय भूतकाल अर्थ में होते हैं, लेकिन मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा ये एक क्तो प्रत्यय वर्तमान अर्थ में होता है। इसलिए तस्य च वर्तमान इस सूत्र के द्वारा जो मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र से जिनमें क्तो प्रत्यय होगा तदंत शब्द में षष्ठी विभक्ति हो जाती है। तो इनका कहना है कि वर्तमानार्थक जो तो प्रत्यय तदंत जो शब्द तत्प्रकृतिक जो सुबंध उसके साथ षष्ठंत का समास नहीं होगा है। पूजायाम का तात्पर्य वही मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र को ले लेना है, ठीक है। उदाहरण क्या दिया? राज्ञाम मतः बुद्धः पूजितो वा, राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः। तो राज्ञाम मतः मन धातु है ज्ञानार्थक, तो मति है मति से, मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च मैं मति रिह इच्छा, मति से किसको लेना है? इच्छा अर्थ को लेना है। बुद्धे पृथक ग्रहणात, बुद्धि का पृथक ग्रहण करने से मति से इच्छार्थ वहां पर लिया जाता है, अन्यथा पर्यायता पत्ति हो जाएगी। मति बुद्धि दोनों पर्यायवाची हैं, दोनों का ग्रहण क्यों किया गया? तो मति शब्द इच्छा अर्थ का वाचक है। खैर, मन धातु से क्तो प्रत्यय हो गया वर्तमान काल में, तो क्या रूप बन गया? मतः। इधर षष्ठी हो गई राज्ञाम, राज्ञाम मतः, तो राज्ञाम मतः का मतलब क्या हो गया? राज्ञा राज्ञा इष्यमाण इत्यर्थः, वर्तमान काल में तो प्रत्यय हुआ है, तो राज्ञाम मतः में तो षष्ठी तत्पुरुष समास प्राप्त था षष्ठी सूत्र से, उसका इस सूत्र ने निषेध कर दिया, क्योंकि मतः में जब तो प्रत्यय मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र के द्वारा किया गया है। इसलिए राज्ञा राज्ञाम मतः का मतलब हो गया राज्ञा इष्यमाणः, ये राज्ञा राज्ञाम मतः का मतलब हो गया। वर्तमान काल अर्थ है, भूतकाल अर्थ नहीं है। षष्ठी समास का निषेध हो गया राज्ञा इष्यमाणः, ये तात्पर्य हुआ, राज्ञा मतः में समास नहीं हुआ। ऐसे दूसरा धरण क्या है? राज्ञाम बुद्धः, तो राज्ञाम बुद्धः में भी बुद्ध धातु से क्तो प्रत्यय हो गया, तकार को झस तथा दो से ध हो जाता है, पूर्व वाले धातु के धकार को द हो जाएगा धर्म झसी से, तो बुद्ध रूप बन जाएगा। बुद्ध का मतलब क्या? राज्ञा ज्ञायमानः, यहाँ पर भी वर्तमान अर्थ है, तो समास का निषेध हो गया राज्ञाम बुद्धः, यह प्रयोग आपका दूसरा सिद्ध हुआ। तीसरा उदाहरण है राज्ञाम पूजितः, पूज धातु से क्तो प्रत्यय हो गया मति बुद्धि पूजार्थेभ्यश्च सूत्र के द्वारा, तो इसका मतलब क्या? पूज्यमान इत्यर्थ है, वो पूज्यमान है, तो यहाँ पर भी षष्ठी समास का निषेध हो जाता है मति क्तेन च पूजायाम सूत्र के द्वारा। सर्वत्र राज्ञाम में तस्य च वर्तमाने सूत्र के द्वारा षष्ठी विभक्ति हुई है, तो राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः, इस प्रकार से ये तीन उदाहरण इसके बन जाते हैं। तीनों का वर्तमान अर्थ है, वर्तमान अर्थ में ही क्तो प्रत्यय हुआ है, तो तस्य च वर्तमाने से षष्ठी विभक्ति होकर के क्तेन जो षष्ठी सूत्र से समास प्राप्त था उसका क्तेन च पूजायाम सूत्र के द्वारा निषेध होकर के राज्ञाम मतः, राज्ञाम बुद्धः, राज्ञाम पूजितः, इस प्रकार से तीन प्रयोग उपपन्न हो जाते हैं। अब यहाँ पर एक विशेष चर्चा है, विशेष चर्चा ये है कि राज्ञाम मत यहाँ मतः इत्यादि स्थल में जो क्तो प्रत्यय किया गया है वह होता भूतकाल अर्थ में है, लेकिन यहाँ पर वर्तमान अर्थ में वो क्तो प्रत्यय हो रहा है, तो ये जो क्तो प्रत्यय वर्तमान अर्थ में आ रहा है इस क्तो प्रत्यय के द्वारा क्या भूतकाल अर्थ बाधित हो जाएगा या वहाँ यहाँ पर भूतकाल अर्थ भी माना जाएगा, ये एक प्रश्न है। मतः इत्यादि स्थल में क्या है? वर्तमान अर्थ में क्तो प्रत्यय है ना, और क्तो प्रत्यय निष्ठा है, भूते के अधिकार में है, तो भूतकाल रूपी अर्थ, भूतकालिक अर्थ भी यहाँ पर रहेगा या फिर भूतकालिक अर्थ की निवृत्ति हो जाएगी, केवल वर्तमान अर्थ रहेगा, ये एक प्रश्न होता है। तो इसको तक्र कौंडिन्य न्याय के माध्यम से समझाया गया कि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दधि दीयताम तक्रम कौंडिन्य न्याय, कि सभी ब्राह्मणों को दही दीजिए और कौंडिन्य आचार्य को क्या दीजिए? तक्र दीजिए।
तो जब पहला वाक्य बोला गया कि सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो दही दीयताम, सभी ब्राह्मणों को दही दही दो, तो जो आचार्य कौंडिन्य है वो भी तो ब्राह्मण ही है, तो उनको भी दही की प्राप्ति होगी। लेकिन फिर बोला गया तक्रम कौंडिन्याय, लेकिन आचार्य कौंडिन्य को तक्र देना है, तो तक्र दान से दही दान का बाद हो जाता है, तो उनको फिर तक्र ही दिया जाता है, उनको दधी नहीं दिया जाता। तो इस न्याय से क्या यहाँ पर जो भूतकाल अर्थ है वो बाधित हो जाएगा या भूतकाल अर्थ भी रहेगा? तो इसका समाधान दिया गया कि यहाँ पर भूतकाल अर्थ बाधित नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो एक सूत्र है उपज्ञाते, उसमें तेन की अनुवृत्ति आती है। अब तेन की अनुवृत्ति आने से उस तेन में तृतीया है, उपज्ञाते में जो ज्ञा धातु से उस ज्ञा धातु है उससे एक तौ प्रत्यय हुआ है और वो वर्तमान अर्थ में है। वर्तमान अर्थ में होते हुए भी ज्ञा धातु बुद्ध्यर्थक होने से वर्तमान अर्थ में तौ प्रत्यय के होते हुए भी वहां पर उसका भूतकाल अर्थ है। अगर उस अक्तौ प्रत्यय का भूतकाल अर्थ नहीं होता, वर्तमान अर्थ ही होता, तो तेन में फिर तृतीया नहीं हो सकती थी, फिर तो वहां पर षष्ठी करनी होती थी, करनी चाहिए, तस्य उपज्ञाते ऐसा अन्वय होना चाहिए था। लेकिन वहां पर तेन में तृतीया न कर षष्ठी न कर कर तृतीया की है, इससे ज्ञापित होता है कि उपज्ञात में जो क्तौ प्रत्यय है उसमें भूतकाल अर्थ विवक्षित है, मतलब वर्तमान के द्वारा, वर्तमान काल रूपी अर्थ के द्वारा भूतकाल अर्थ का बाद नहीं हो रहा है, इसलिए तेन में तृतीया विभक्ति वहां पर दिखाई दे रही है। फिर कहा कि चलिए ठीक है, जो विशेष बुद्ध्यर्थक धातु में है उन बुद्ध्यर्थक धातुओं में ही ये माना जाए कि बुद्ध्यर्थक धातुओं में भूतकाल अर्थ रहता है, अन्यत्र भूतकाल अर्थ का बाद हो जाता है, वर्तमान अर्थ वहां पर रहता है। तो कह रहे हैं कि ऐसा भी नहीं मान सकते, पूजितो यह सुरासुरई ही इत्यादि स्थल में पूजितः ये प्रयोग है, यह तो आपका बुद्ध्यर्थक नहीं है। अगर यहाँ पर हम वर्तमान अर्थ की प्रतीति मान लेंगे, भूतकाल अर्थ को बाधित मान लेंगे, तो सुरासुरही में फिर षष्ठी होनी चाहिए थी, वहाँ पर तृतीय व्यक्ति कैसे हो गई? पूजित तो यह सुरासुरही में तृतीय व्यक्ति का श्रवण हो रहा है, इससे ज्ञापित होता है कि ये जो नियम है सामान्य नियम है कि कहीं पर भी आपका वर्तमान अर्थ नहीं होगा या वर्तमान के द्वारा भूतकाल रूपी अर्थ का बाध नहीं होगा, भूतकाल रूपी अर्थ का श्रवण होता रहेगा, भले ही बुद्ध्यर्थक धातु हो तो भी भूतकाल अर्थ का श्रवण होता रहेगा, बुद्ध्यर्थक से भिन्न हो तो भी भूतकाल अर्थ का श्रवण होता ही रहेगा। इस प्रकार से चर्चा की गई। उसके बाद एक पक्ष ये भी आया कि यहाँ पर शेष षष्ठी मान ली जाए, शेष षष्ठी मान लेंगे तो उसमें षष्ठी का समास हो ही जाता है, रामम अहितः इत्यादि प्रयोग आचार्य भट्टी जी ने भी किए ही हैं। तो ये सारी चर्चाएं टीका में प्राप्त होती हैं। तो सारांश ये निकलता है कि तक्र कौंडिन्य न्याय का प्रचार यहाँ न करते हुए जो भूतकाल अर्थ रहता है वो तो विवक्षित रहता ही है, वो भूतकाल अर्थ नहीं जाता, वर्तमान अर्थ जहाँ पर इष्टा वहाँ वर्तमान अर्थ भी रहेगा, लेकिन जहाँ पर भूतकाल अर्थ है वहाँ पर वर्तमान अर्थ के द्वारा भूतकाल का बाद हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। तो इस प्रकार से भिन्न भिन्न प्रकार से विचार किया गया है। इसी विचार के साथ यह इस सूत्र के भी कवि वेचन भी समाप्त हुआ। और इसके बाद अगला सूत्र है अधिकरण वाचिनश्च। अधिकरण वाचिनः प्रथम व्यक्ति षष्ठी व्यक्ति एक वचन का हो गया, चौबे पद हो गया, दो पद का सूत्र है। अधिकरण अर्थ में जहां पर क्तौ प्रत्यय होता है, वस्तुतः क्तौ प्रत्यय अधिकरण अर्थ में भी होता है, कर्ता अर्थ में भी होता है, भूत अर्थ में भी होता है, भिन्न आदि कर्मणि च क्तः इत्यादि से आदि कर्म अर्थ में भी होता है, ये भिन्न भिन्न अर्थ में क्तौ प्रत्यय होता है। तो जहां पर अधिकरण अर्थ में आपका क्तौ प्रत्यय होगा वहां तदंत जो शब्द होगा तत्प्रकृतिक समण सुबंध के साथ भी षष्ठंत का समास नहीं होगा। अधिकरण अर्थ में क्तौ प्रत्यय करने वाला सूत्र है तो अधिकरणे द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः, तो क्तोधिकरणे द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः सूत्र के द्वारा अधिकरण अर्थ में क्तौ प्रत्यय किया जाता है। तदंत जो शब्द होंगे इदम एषाम आसितम सहितम गतम भुक्तम वा इत्यादि स्थल में आसितम सहितम गतम भुक्तम इत्यादि स्थल में क्तोधिकरणे द्रव्य गति प्रत्यवसानार्थेभ्यः सूत्र के द्वारा अधिकरण अर्थ में क्तौ प्रत्यय किया गया है। तदंत शब्द हो गए आसित गत भुक्त इत्यादि शहित इत्यादि, तत्प्रकृतिक समर सुबंध हो गए आसित सु गत सु भुक्त सु शहित सु इत्यादि, उनके साथ भी जो एषाम है इसका समास नहीं होगा। एषाम में अधिकरणवाचिनश्च है, अधिकरणवाचिनश्च से षष्ठी व्यक्ति अधिकरणवाचिनाच इससे षष्ठी व्यक्ति हो जाती है, तो एषाम षष्ठ्यंत हो गया, उसके समास का इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। तो इदम एषाम आसितम, इदम एषाम गतम, इदम एषाम भुक्तम, इदम एषाम सहितम। तो यहाँ पर आसितम गतम भुक्तम सहितम में अधिकरण अर्थ की प्रधानता है। आसितम का मतलब है वह स्थान जिसमें बैठा गया था, आसितम शब्द स्थान का वाचक है। गतम, गतम का मतलब क्या है, वह मार्ग जिसपे जाया गया था, तो गतम शब्द मार्ग का वाचक हो गया, जो अधिकरण उस आश्रय का वाचक है।
भुक्तम जिसमें खाया गया था वह पात्र, उस पात्र का वाचक भुक्तम शब्द। शयितम जिसमें सोया गया था उस पलंग खटुआ पलंग चारपाई इत्यादि का वाचक है शयित शब्द, क्योंकि वहां पर अधिकरण अर्थ में क्त्वा प्रत्यय हुआ है। तो इसका अधिकरण अर्थ में क्त्वा प्रत्यय जो शब्द तत्प्रकृतिक समर्थ सुबंत जो आसित सु इत्यादि है उनके साथ जो राज्ञाम है या कृष्णस्य है या एषाम है, ये शाम जो षष्ठ्यंत है उसके समास का अधिकरणवाचिनश्च इस सूत्र के द्वारा निषेध कर दिया गया। इदम एषाम आसितम, इदम एषाम सहितम, इदम एषाम भुक्तम, इदम एषाम गतम, इस प्रकार से उदाहरण बना लेने हैं। फिर एक उदाहरण आता है किंग वृत्तम यदवृत्तम, किंग वृत्तम यदवृत्तम इत्यादि उदाहरण आते हैं। प्रश्न हुआ कि किम वृत्तम यदवृत्तम इत्यादि स्थल में जो वृत्त धातु है वो तो अकर्मक है, अकर्मक होने से तो अप्रत्यय कर्म अर्थ में हो नहीं सकता, तो वहां पर अधिकरण अर्थ में तो अप्रत्यय मानना होगा। और जब अधिकरण अर्थ में वृत्तम में तो अप्रत्यय है तो फिर किम शब्द का समास कैसे हो गया, अधिकरणवाचिनश्च ने निषेध क्यों नहीं किया, किं वृत्तम यद वृत्तम या समस्त पद कैसे श्रूयमाण हो रहे हैं। तो उसका समाधान दिया गया कि वृत्तम में कर्ता अर्थ में क्त्वा प्रत्यय है, कर्म अर्थ में और अधिकरण अर्थ में क्त्वा प्रत्यय कम कर्म अर्थ में तो खैर हो ही नहीं सकता अकर्मकत्वात्, लेकिन अधिकरण अर्थ में भी वहां पर तो अप्रत्यय नहीं है। वह तो कर्ता अर्थ में गत्यर्था कर्म के श्लेषिंग स्था सवर्ण जन रुह जीर्यतिभ्यश्च इस सूत्र के द्वारा कर्ता अर्थ में तो अप्रत्यय है, कर्ता अर्थ में तो अप्रत्यय होने के कारण से अधिकरण वाचिनश्च सूत्र के द्वारा निषेध नहीं होगा। किमा वृत्तम निष्पन्नम इत्यर्थ, इस प्रकार से अर्थ कर करके पद निष्पन्न हो सकता है। तो इस प्रकार से अधिकरण वाचिनश्च इस सूत्र की चर्चा हुई। इसी क्रम में अन्य भी कर्मणि च इत्यादि सूत्र अभी अवशिष्ट जिनका विवेचन होना है, जिनको हम अगले पाठों में देखेंगे।